जनता दल सेकुलर गुलबर्गा जिले के सीनियर नायब सदर सैयद बाबर मुस्तफा ने पुलिस और जिला इंतजामिया पर अलग जिला गुलबर्गा में नस्ब व नस्ब की सूरत हाल को काबू में रखने में नाकाम रहने का इल्जाम आयद किया है। उन्होंने आज जनता दल सेकुलर गुलबर्गा जिले के जनरल सेक्रेटरी श्याम राव सूरन के साथ पत्रिका भवन गुलबर्गा में अखबारी कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि अलंद में 1 मार्च को शिवरात्रि के मौके पर जिला इंतजामिया की जानिब से लागू किए गए इम्तनाई अहकाम दफा 144 की खिलाफ वर्जी को रोकने में गुलबर्गा पुलिस और गुलबर्गा जिला इंतजामिया दोनों नाकाम रहे और सियासी दबाव के तहत अलंद के रुकन असेंबली सुभाष गुत्तेदार के घर से निकाली गई रैली को रोका नहीं गया, जिसके नतीजे में अलंद में फिरकावाराना तनाव और कशीदगी का माहौल बन गया। सैयद बाबर मुस्तफा ने मरकजी वजीर भगवंत खूबा एमपी बीदर के बगैर टीपी के अलंद का दौरा करने पर सख्त एतराज करते हुए कहा कि मरकजी वजीर भगवंत खूबा के अलावा बीजेपी के एमएलए राजकुमार पाटिल तेलकुर बसवराज मत्ती मोड़ू दत्तात्रेय पाटिल रेवड़ ने 250 तक 300 बीजेपी कारकुनान के साथ अलंद में सुभाष गुत्तेदार के घर से बस स्टैंड तक रैली निकालकर दरगाह हजरत लाले मशायख अंसारी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ बढ़ने की कोशिश की और इश्तियाल अंगेज नारे लगाए गए, जिसके नतीजे में दरगाह शरीफ के अतराफ तनाव और कशीदगी का माहौल बन गया। पुलिस और जिला इंतजामिया ने दरगाह शरीफ पे अपनी निगरानी में पूजा करने का मौका फराहम करके इम्तनाई अहकाम दफा 144 और अदालती अहकाम की खिलाफ वर्जी की। सैयद बाबर मुस्तफा ने मजीद कहा कि पुलिस ने कानून और अदालती अहकाम के खिलाफ वर्जी करने वालों पर कार्रवाई करने के बजाय मासूम और बेकसूर बच्चों औरतों के बशमूल 165 अफराद को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारियों के दौरान हुकूक इंसानी की खुली खिलाफ वर्जी की गई और पुलिस ने गिरफ्तार शुदगान के साथ इंतहाई गैर इंसानी सलूक किया। गिरफ्तार शुदगान को सेंट्रल जेल गुलबर्गा की बजाय बीदर बीजापुर रायचूर और बेल्लारी के जेलों को भेजकर इन्हें सख्त हरासा किया गया। सैयद बाबर मुस्तफा ने अलंद के वाकये में पुलिस और जिला इंतजामिया की नाकामी का पता लगाने और हकायक को मंजरे आम पर लाने के लिए अलंद वाकये की अदालती तहकीकात करवाने और गिरफ्तार किए गए तमाम बेकसूर अफराद को फौरी रिहा करने का पुरजोर मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि अगर इन मुतालबात को जल्द पूरा नहीं किया गया तो जनता दल सेकुलर की जानिब से मरहलावार एहतजाज शुरू किया जाएगा। जो इशू हो गया है तो हम कहना ये चाहते हैं कि हमारे भगवंत कोबा सेंट्रल मिनिस्टर, उनको क्या ज़रूरत थी 144 सेक्शन में कि वो तालुके में विजिट करने के लिए विदाउट टूर प्रोग्राम विदाउट एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म करे, उन्होंने कैसा है? अगर उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म करके अगर आए तो एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं रोके उनको? एडमिनिस्ट्रेशन रोकना चाहिए था, क्योंकि 144 सेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन ही लगाए थे अलंद के अंदर, तो उनको रोकना चाहिए था। क्या गरीबों के लिए 144 सेक्शन है? क्या मिनिस्टर और एमएलए एमपीस के लिए 144 सेक्शन नहीं है? ऐसा नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर कानून लिखे हैं तो सबके लिए एक ही है, तो उनका फ़र्ज था कि जो है ना उन्होंने रोकना चाहिए था, उन्होंने रोके नहीं। उसके बाद उन्होंने सुभाष गुत्तेदार के जो घर पे एमएलए हैं वहाँ के लोकल के, उनके घर पे मीटिंग की है, तो वहाँ पे उनको हाउस अरेस्ट करना चाहिए, हाउस अरेस्ट भी नहीं किए। उसके बाद 1.5 किलोमीटर तक पदयात्रा करें, उन्होंने पदयात्रा करने के लिए भी दिया गया, उनको क्यों दिया गया? 144 सेक्शन के आपको नहीं लगाए थे, आपको नहीं पता था, तो इस सिचुएशन में उनको क्या ज़रूरत थी विदाउट टूर प्रोग्राम भगवान कोबा आने के लिए? उसके बाद हाउस अरेस्ट क्यों नहीं किए? पदयात्रा करने के लिए क्यों किए दिए आप लोग ने? एडमिनिस्ट्रेशन टोटली फेलोर हो चुका है, ये गलतियां पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के होने की वजह से वहाँ पे 3 और 4 कुछ जान गए हुए हैं और 165 प्लस लोग जेलों में हैं, वो भी अलग अलग जेलों में हैं। क्या ऐसा ज़रूरत है कि हमारे इतना बड़ा जो क्राइम करे वो लोग उनको अलग अलग जेल में रखने के लिए? क्या हमारे जेल में जगह नहीं है? क्या हमारे पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है? क्या हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है? जो एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो गया है, तो ऐसा अगर होगा तो कल क्या भी हो सकता है नॉर्थ कर्नाटक में, कल कुछ भी हो सकता है, गुलबर्गा के आजू बाजू तालुकों में कुछ भी इंसिडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि उनको कंट्रोल करना चाहिए था, उनको रोकना चाहिए था, सबको प्रॉपर मेंटेन अगर करते तो आज ये 3 जान जो गए हैं वो बचते थे। और दूसरी बात, इतने लोग जो जेल में आज हैं तो वो लोग भी जो है ना जेल के बाहर रहते थे, हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस देश के हैं 4 सिपाही, हमारा जो भाईचारा है उसको बीजेपी पार्टी ने ख़त्म कर रही है।
तो हम नहीं चाहते ऐसा हो। हम एडमिनिस्ट्रेशन को इसका जवाब देना है, और जो है ना मैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट ये है कि जो है ना हम जुडिशियरी इंक्वायरी चाहते हैं, क्योंकि जो है ना यहाँ पे बहुत बड़ा एक घटना हुआ है, बहुत बड़ा एक हादसा हुआ है, ये बहुत बड़ी एक साजिश हुई है। ये दोबारा ऐसा नहीं अगर होना है, अगर सबको सेफ साइड रहना है, सेकुलर रहना है, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन में कहाँ पे गलती हुई है। हम जुडिशियरी इंक्वायरी इसको चाहके इसको प्रॉपरली इसको जो है ना जो लोग गलती करे हैं उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। मैं सैयद बाबर मुस्तफा, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, जनता दल सेकुलर पार्टी। नमस्कार। हिंदे ಅಳಂದಲ್ ಆದ ಘಟನೆ ನಾವು ಟೋಟಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾ ದಳ ಖಂಡಿಸ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಳಂದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಗಳ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದವರೇ ಬಿ ಜೆ ಪಿದವರು. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿ 1 Section 44 ಅದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀರಂದ್ರೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಅಳಂದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ. ಜೊತೆಗೆ 144 Section ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಆಗಬೇಕು ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ನೆರಳಾರ್ದಂಗೆ 4 ಇಲ್ಲ 5 ಮಂದಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು 150 ಮಂದಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರಿ, ಇದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಅದ. ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಾಂಗ ಮಾತ್ರ 165 ಮಂದಿಗೆ ನೀವು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದಿರಿ, ಇದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಅದ. ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ 28 February ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 144 Section ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿ 5 ಮಂದಿ MLAಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಆಗಿ 150 ಮಂದಿ ತೊಗೊಂಡು ಮೆರವಣಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಜಗಳ ತೆಗಿಬೇಕು. ಅಳಂದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಾಕಿ ಬಾಬಾ ಬುಡನಗಿರಿಯಪ್ಪಲೇ ತಿಂಗಳ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ನಿಂಬಲ್ಲದ. ಆದರೆ ಬಾಬಾ ಬುಡನಗಿರಿನೇ ಬೇರೆ, ಅಳಂದೇ ಬೇರೆ. ಆದರೆ ಅಳಂದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಯಿಚಾರ ಏನದ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಮುರಿದು ಹಾಕಿದ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಗಳ ಯಾವತ್ತೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮುಂದೆ ಅದು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹುನ್ನಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋಂಥಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಿಲ್ಲಾ ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾದಳ ಕಂಡಿಸ್ತದೆ. ನಾನು ಶ್ಯಾಮರಾವ್ ಚೋರನ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಜನತಾದಳದ ಮಹಾಪ್ರಧಾನ.